सपा की युवा नेत्री एवं 31 विधानसभा की संभावित उम्मीदवार मोनी कुमारी रविवार को अपने जनसंपर्क अभियान के तहत चंदौसी पहुंची। वह उन्होंने गांव केथल में भागवत कथा के आयोजन में 21 रुपए दान दिए और ग्रामीण चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया। वह सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। पत्रकारों से बात करते हुए मोनी कुमारी ने बताया कि आज प्रदेश में किसान और आम आदमी परेशान है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सपा नेता मोहम्मद तकीर ने कहा कि इस सरकार में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, पूरे प्रदेश में लूट खसोट मची हुई है। सपा की सरकार आई और हमें सेवा का मौका मिला तो 31 विधानसभा को विकास की ओर अग्रसर किया जाएगा, हर ओर खुशहाली होगी। आज सभी कैथल ग्रामवासियों ने मुझे बुलाया, मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो भागवत कथा है हमारे हिंदू धर्म में, इसको बहुत महत्व देते हैं। और मैं ये जो कन्या हैं कलश यात्रा निकाल रही हैं, हम सबको इनका मतलब हौसला बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारे धर्म में और ज़्यादा जागरूकता फैले। और हम यहाँ पर आए हैं और हमने लोगों की समस्या सुनी, क्योंकि कितने परेशान हैं यहाँ पर ये ग्रामवासी, क्योंकि कितना अत्याचार हो रहा है यहाँ। चंदौसी ग्रामवासी, चंदौसी के अधिकारियों ने यहाँ पर इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, बेचारे बहुत परेशान हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मुझे मौका देते हैं तो जितने भी इन लोगों ने हमारे किसान भाइयों की किसानों का छीनने का काम किया है, उसे हम लोग छीन वापस करने का ही काम करेंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे मौका देते हैं तो मैं जितने भी ये जो सरकार में जितना भ्रष्टाचार चल रहा है उसे खत्म करने का भी प्रयास करूंगी। जय हिंद। ये जो हमारे हिंदू धर्म है उसमें जागरूकता फैलती है और हम यही अपील करेंगे सब लोगों से कि कथा भागवत में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इससे हमारा धर्म जागरूक होता है। और हम कैथल गाँव में आए हैं, इन लोगों ने शिकायत करी है कि जो भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं उन्होंने तमाम ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं। हम मोनी कुमारी को लगातार क्षेत्र में घुमा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मौका देते हैं तो कैथल वालों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बैठने के बाद अगर एक घंटे में ये कब्जे खाली ना करा दें हम तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। युवा जागरूक हो गया है, तमाम ब्राह्मणों की हत्या कर दी, तमाम जाटव भाइयों पर फर्जी मुकदमे लिख दिए, तमाम यादव भाइयों को लूटा जा रहा है, डीलरों से पैसा लिया जाता है, तो डीलर भाई भी हमारा क्या करे, वो मजबूर हो गए, गरीब जनता का राशन काटता है। जिस दिन मोनी कुमारी अगर एक घंटे में चंदौसी को बैठ गई तो ये सब सारा भ्रष्टाचार अगर हम दूर ना कर दें तो राजनीति करना छोड़ दें। जय हिंद, जय समाजवाद।